मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी मॉम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, हरी मटर का हरा निमोना, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, देखिए उसको बनाने के लिए हमने 2 कप मटर को देखिए दरदरा ग्राइंड किया है। ये देखिए 2 कप मटर है, इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया हमने। 2 हरी मिर्च और धनिया का मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। ये 3 आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है 3 आलू को। 10-12 लहसुन की कलियों को ग्रेट कर लिया है। 1 प्याज को बारीक कट कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हींग, और ये थोड़े मसाले हैं फ्रेंड्स, ये देखिए 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, छोटे चम्मच से भी कम हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, क्योंकि मैं 2 हरी मिर्च मैंने धनिया के साथ ग्राइंड किए, इसलिए मैंने 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच ये धनिया पाउडर है। सबसे पहले फ्रेंड्स एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्रेंड्स, हमने निमोना बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। आप भी लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आता है, तो आप लोहे की कढ़ाई में ज़रूर इसको बनाइएगा और फिर इसके बाद देखिएगा इसका स्वाद कितना अच्छा आता है। तो ये हमने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है इसमें, और थोड़ा सा 1/2 छोटा चम्मच मैंने ऑयल डाला इसमें, और ऑयल के गर्म होने तक का हम वेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो गया है। ऑयल को हम ऐसे पूरी कढ़ाई में ऐसे फैला लेंगे, ऑयल को ये देखिए चारों तरफ से ऐसे हम फैला लेंगे, और फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे। देखिए फ्लेम को स्लो कर लिया। अब जो हमने 1/2 चम्मच हींग ली है उसको इसमें डालेंगे, और इसके बाद ये मटर के जो हमने दरदरा पीसा था इसको डाल के ऐसे हम थोड़ी देर इसको भून लेंगे। ये देखिए हींग डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे, मीडियम फ्लेम में हमको भूनना है इसको। ऐसे हमको 5 मिनट तक लगभग इसको भून लेना है, मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक बढ़िया इसको हम भून लेंगे। मेरी मॉम कहती हैं कि लोहे की कढ़ाई में बनाने से आयरन भी जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़कर आता है, इसलिए आप लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाइए और इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिए। मटर अच्छे से भुन गई है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। मटर भुन गई है, इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में फ्रेंड्स हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, ये देखिए 1 बड़ा चम्मच हमने ऑयल डाला, और ऑयल के गर्म होने तक का हम वेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम ये फ्रेंड्स हमने उड़द की दाल की वड़ियाँ हैं, ये इसको भून के इसमें हम डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम पहले भून के निकाल लेंगे, इन वड़ियों को भून के निकाल लेंगे। फ्लेम को स्लो ही रखना है, ये देखिए मीडियम फ्लेम में, देखिए मीडियम फ्लेम कर लेंगे, मीडियम फ्लेम में ही इसको भूनना है। और भून गई हैं वड़ियाँ हमारी, इसको निकाल लेंगे। अब हम ये प्याज जो हमने कट की थी छोटे टुकड़ों में इसको ऐड कर देंगे और भून लेंगे इसको। ओके, प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। उड़द की दाल की बढ़िया आप भून के इसमें डालेंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो, अवेलेबल हो, तो आप इसमें डाल सकती हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप डालेंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। प्याज भुन गई है हमारी, अब इसमें लहसुन जो हमने ग्रेट किया था 8-10 कलियाँ लहसुन की, वो हम ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे। देखिए खूब अच्छे से इसको भून लेंगे, लहसुन भी भून गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जीरा पाउडर डालेंगे इसमें, और हल्का सा हम पहले भून लेंगे, जीरा पाउडर भून लेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया, सब मसालों को एक साथ डाल के ऐसे भून लेंगे
और इसके बाद हम ये आलू जो हमने कट किया था उसको ऐड कर देंगे और आलू के साथ मसालों को खूब अच्छे से हम भून लेंगे। ठीक है, खूब अच्छे से हमको मीडियम फ्लेम में इसको भूनना है। अब इसको हम ढक के 5 मिनट तक स्लो फ्लेम में एकदम स्लो फ्लेम में हमें पकाना है और बीच बीच में चलाते भी रहना है फ्रेंड्स। 5 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। 5 मिनट बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आलू मसाले के साथ थोड़ी पक गई है। अब इसमें फ्रेंड्स जो हमने मटर भुनी थी इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसे डाल के अच्छे से इसको हम आलू के साथ मिक्स करके 2 मिनट तक ऐसे भून लेंगे। आलू के साथ इसको मटर को अच्छे से हम भून लेंगे और ये बढ़िया भी फ्रेंड्स, इसमें मैंने मटर के साथ ये बढ़िया भी डाल दी हैं। ये देखिए, जो हमने बढ़िया भी भुनी थी उड़द की दाल की, ये भी इसमें ऐड कर दी है मटर के साथ और आलू के साथ हम अच्छे से भून लेंगे, जैसे सारे मसाले मटर में अच्छे से मिल जाएं। कि आलू के साथ सारे मसाले मटर में भी अच्छे से मिल गए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 ग्लास पानी को इसमें ऐड कर देंगे हम। आपको अपनी ग्रेवी जैसे रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करिएगा। वैसे इसमें अभी 1 ग्लास पानी और हम ऐड करेंगे। 1 ग्लास और पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। हमने 2 ग्लास पानी इसमें ऐड कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे हम। देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में इसको हम ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए, ऐसे ढक देंगे और 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। अब 5 मिनट बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए खूब अच्छे से सारे मसाले इसमें पक गए हैं और आलू भी, ये देखिए आलू भी पक गया है। अब निम्बोना हमारा एकदम रेडी है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमने जो धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था फाइन पेस्ट, वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक इसको हम ऐसे खूब अच्छे से मिला लेंगे ऐसे और पका लेंगे धनिया वाले पेस्ट को। तो फ्रेंड्स देखिए, निमोना हमारा बनके रेडी है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, 2 मिनट बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी निमोना रेसिपी बनके तैयार है। ये देखिए, ये मेरी मॉम की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप चपाती से या राइस से खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी निमोना रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। नमस्कार, बाय बाय।